प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इछावर विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जितेन तमोलिया ने अपने चुनावी कार्यकाल का उद्घाटन किया। चुनावी कार्यकाल के उद्घाटन पर प्रत्याशी जितेन तमोलिया ने बताया कि हमारा मूल मंत्र अच्छी सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाना है। प्रत्याशी जितेन तमोलिया ने कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 18 साल का विकास देख रहे हो, एक बार आजाद समाज पार्टी को भी अपने मत का अधिकार देकर देखो, प्रदेश में अनेक विकास कार्य किए जाएंगे। उद्घाटन किया, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज हमारा पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। जो मुख्य कार्यालय रहेगा, यहाँ से सारी गतिविधियाँ चलेगी और हमारे जो प्रत्याशी है जितेन कुमार जी, उन्होंने ये आगाज कर दिया है, वो सरपंच भी है। जैसे उन्होंने उस गांव का विकास करा है, वो पूरी विधानसभा का विकास करना चाहते हैं। और उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी जो इछावर की विधानसभा है, जो बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, उसकी लड़ाई वो निरंतर कई वर्षों से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और हम इस विधानसभा को जीत के भाजपा और कांग्रेस दोनों को परास्त करेंगे और इस मनुवादी सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।